हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोफर ड्राई सिरप के बारे में। यह एक ड्रॉप है और इसका यूज जो है छोटे बच्चों में करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूं कि जोफर सिरप का यूज जो है हम छोटे बच्चों में किस प्रकार से करवाते हैं, इसके यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जोफर ड्राई सिरप के बारे में, तो इसका जो यूज़ होता है या छोटे बच्चों में नोजिया वोमिटिंग के दौरान करवाया जाता है, यानी जब छोटा बच्चा उल्टियां कर रहा होता है, उसे बार बार उल्टियां हो जाते हैं, या फिर छोटा बच्चा जब भी दूध पीता है तो दूध जो है बाहर निकल जाता है, वोमिट हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जब बच्चे का जी मिचला रहा होता है तो उस कंडीशन में जो है दूध बाहर आ जाता है, उल्टियां होती हैं बच्चे को बार बार, तभी इस ड्रॉप का यूज करवाया जाता है। और गाइज, यह उल्टी के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है और यह छोटे बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। और यह सन कंपनी फार्मा द्वारा जो है तैयार किया गया एक प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, एक विश्वसनीय प्रोडक्ट है। बात करें हम इसके साल्ट के बारे में, तो इसमें जो है ऑनडन सेट्रॉन 2 मिलीग्राम मिला होता है, जो कि छोटे बच्चों में काफ़ी अच्छा काम करता है और छोटे बच्चों में नोजिया वोमिटिंग यानी जब उल्टियां होती हैं तो उल्टियों को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। बात करें दोस्तों हम इस सिरप के डोज के बारे में, तो इसका डोज जो है अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में छोटे बच्चों को दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। वैसे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी यदि बच्चों को इसको देने के बाद में उनको रैशेस आते हैं या फिर खुजली जैसा महसूस होता है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इसका यूज बंद कर दिया जाता है और अपने डॉक्टर से फिर से मिलना होता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।